जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 01302 उद्यान एक्सप्रेस कोविड विशेष की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन क्रांतिवीर संगोली रायन बेंगलुरु और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 32 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1152 किलोमीटर की दूरी लगभग 24 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। कोविड स्पेशल ट्रेनों में आपको किसी भी प्रकार की कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, 3 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 10 स्लीपर क्लास और 3 सेकंड सीटिंग कोच हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले बेंगलुरु सिटी जंक्शन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रात्रि 8:30 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बेंगलुरु कैंट स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:42 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट यलहंका जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:18 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट दोडलापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:39 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट गौरीबिदनूर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:14 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट हिंदूपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:34 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट पेनुकोंडा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:59 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट श्री सत्य साई प्रशांति निलयम स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:18 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट धर्मरम जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:15 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट अनंतपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:19 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट गुत्ती जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:39 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट गुंतकल जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:15 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का बारहवां हॉल्ट आदोनी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:58 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट मंत्रालयम रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:38 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट रायचूर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:18 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट कृष्णा स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:44 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट सैदापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:08 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट यादगिर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:34 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट नालवार स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:59 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट वादी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट शाहबाद स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:12 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट कलबुर्गी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:43 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट गांगापुर रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:11 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट दुधनी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:34 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट अकालकोट रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:04 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट सोलापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट कुर्दुवाड़ी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट दौन जंक्शन स्टेशन है
और यहाँ ट्रेन 2:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट उरुली स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:09 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट पुणे जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट लोनावला स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:13 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 31वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:52 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 32वां हॉल्ट दादर सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:45 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 33वां और आखिरी हॉल्ट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 8:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।